हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन टू डिजिट नंबर बाय टू डिजिट नंबर। सो इसके क्या क्या स्टेप हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई करने में, पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली थ्री स्टेप्स यूज़ करेंगे आप, जब आप टू डिजिट नंबर को टू डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा कि 28 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, 32 से। तो पहले तो आपने इस फॉर्मेशन में उसको लिखना है 28, आपके उसके बिल्कुल वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे। और ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एच टी और ओ, ये आपको पता ही है, ये वंस टेंस और हंड्रेड, यानी कि जो नंबर हमने लिखे हैं उसकी पोजिशंस को इंडिकेट करता है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज़ आपके पास दिया हुआ है 28 मल्टीप्लाई बाय 32, तो हमेशा पहले जो वंस नंबर गिवन होगा जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, जो ऊपर आपको नंबर गिवन है उस नंबर से दोनों को, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से ही होगी, तो अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 कैरीज 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 में जो हमने 1 कैरी हमारे पास थी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो हमेशा ही जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वंस नंबर जो आपको गिवन होगा उसको, जो गिवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि वंस की वंस से होगी या टेन से टेन की होगी। क्लियर? तो पहले आप इसको करेंगे, उसके बाद इसका हम मीनिंग अगर समझे तो क्या है, मल्टीप्लाई किया आपने 28 को 2 वंस से किया है, ये ध्यान रखना है आपने, वंस से किया है 28 को। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 28 बाय 3 टेंस। हमें पता है कि 3 टेंस का मीनिंग क्या होता है, 30 होता है, आपको पता है ये बात। तो अब मतलब 28 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 30 से हो जाएगी। तो हम इसके लिए यहाँ पे देखो आपको ज़ीरो दिखाई दे रहा होगा, नॉर्मली हम यहाँ पे ज़ीरो भी लगा देते हैं और लाइक दिस क्रॉस भी लगा देते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम होगा। आप इस तरीके से क्रॉस भी लिख सकते हैं और ज़ीरो भी लिख सकते हैं। हम जो नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उनमें नॉर्मली क्रॉस का ही यूज़ करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि टेंस की मल्टीप्लाई पूरे नंबर से होगा, ये नहीं कि सिर्फ टेंस से होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, और जो आपको नंबर गिवन होंगे जब टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नहीं कि टेंस की डायरेक्ट टेंस से, देन टेंस की वन से। आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे जो भी नंबर आएगा उसकी हमेशा मल्टीप्लिकेशन पहले कहाँ से स्टार्ट होगी, वन से स्टार्ट होगी। 3 की मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे, 3 8 24, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने ज़ीरो लिखी, यहाँ पे आप क्रॉस भी लिख सकते हैं, तो आपके पास जो सेकंड नंबर है 5 उसके जस्ट नीचे ही लिखेंगे नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 24। अब 24 है तो हमने 4 एज इट इज़ लिख दिया, कैरी कितनी हो जाएगी, 2। 3 2 6, 6 + 2 = 8। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, जो भी आपके पास रिजल्ट आया उनको ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 896। सो दिस प्रोडक्ट ऑफ 28 एंड 32, यानी कि जो भी आपके पास रिजल्ट आया टेंस और वन से मल्टीप्लाई करने के बाद, उनको हम लास्ट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन टू डिजिट बाय टू डिजिट। अब हम बात करते हैं वर्कशीट नंबर 6 के क्वेश्चन की। सो लेट स्टार्ट वर्कशीट नंबर 6। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो पहले हम इनकी पोजीशन लिख लेंगे, ये वंस टेंस और ये हंड्रेड, इसलिए लिखा जाता है ताकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी कैरी आएगी वो हंड्रेड की प्लेस पे आ जाए। तो अब हम सिंपली 7 की मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे, 4 से। आपको बताया था कि पहले हम वंस की मल्टीप्लाई करते हैं गिवन नंबर से, और फिर हम टेंथ नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं गिवन नंबर से, लेकिन सबकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, वंस से। 7 4 20, अब 28 था तो जिसमें हमने 8 लिख लिया, और कैरी कितनी हो गई, 2 7 2, यहाँ पे आप कैरी 2 लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे। 7 2 14, 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया था कि जब भी हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 1 यहाँ पे क्या है, टेंस है, 1 टेंस का मीनिंग क्या हो गया, 10। तो आप यहाँ तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं या यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगी, आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 की, 1 4 4 एंड 1 2 2, ये ध्यान रहे कि नंबर्स के नीचे ही नंबर्स आने चाहिए, आप इधर उधर लिखेंगे तो एडिशन में प्रॉब्लम आएगी। अब हम इनको ऐड कर देंगे, अब 8 में ये क्रॉस का मतलब 0 ही हो जाता है, तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 + 4 = 10, तो कैरी आ जाएगी आपकी, टेंस पोजीशन पर आ जाएगी, 1 + 1 2 + 2 4, योर आंसर विल बी नाउ 408। तो इस तरीके से आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, 86 मल्टीप्लाई बाय 13 करना है आपने,
तो हम अगेन ये प्रीसिस लिखेंगे पहले, वंस, टेंस, हंड्रेड। नाउ फर्स्ट स्टेप आपका क्या था कि वंस की मल्टीप्लाई गिवन नंबर से होगी, सो लेट स्टार्ट। 3 6 18 कैर इज 1, 3 8 24 प्लस 1 25, वंस, टेंस, हंड्रेड। नाउ क्रॉस, 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 6 से, एंड 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 8 से। नाउ वी हैव टू ऐड दीज 8, 5 प्लस 6 11, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11। अब देखो ये नंबर 1000 तक चला गया, तो आप यहाँ पे 1000 भी लिख सकते हैं। सो योर आंसर विल बी 1118। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 29 बाई 40। अगेन यू हैव टू राइट द पोजिशंस, वंस, टेंस, हंड्रेड। ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं, तो हमें ये रूल सीखा था कि ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो मल्टीप्लाई 9 इज़ ज़ीरो, 0 मल्टीप्लाई 2 इज अगेन 0। नेक्स्ट ना 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 9 से, 4 9 ज़ा 36, 36 है तो 3 क्या हो जाएगी, कैरी कहाँ पे चली जाएगी, टेंस पे। सो 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11। क्लियर। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड 0 6 1 1। सो दिस इज़ योर प्रोडक्ट फॉर 29 एंड 40। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। 19 मल्टीप्लाई बाय 43। अगेन राइट वंस, टेंस, हंड्रेड। 3 9 ज़ा 27, कैरी इज 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। क्रॉस 4 9 ज़ा 36, 3 इज कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 इज 7। नाउ यू हैव टू ऐड दीज टू। नाउ 7, 5 प्लस 6 11, कैरी इज 1, 1 प्लस 7 इज 8। सो 817 इज योर आंसर। सो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। 35 मल्टीप्लाई बाय 36, वंस, टेंस, हंड्रेड। अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट वंस, 6 मल्टीप्लाई 5 30, कैरी इज 3, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 इज 21। क्रॉस, नेक्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई टेंस बाय वंस, 3 5 ज़ा 15, कैरी इज 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। सो नाउ यू हैव टू ऐड दीज टू, 0, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 0 इज 2 एंड 1। सो 1260 इज द प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 36। सो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 8 ज़ा, अगेन राइट वंस, टेंस, हंड्रेड। नाउ मल्टीप्लाई 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 इज 22। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16, कैरी इज 1, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 1 इज 5। सो 4 प्लस 0 इज 4, 2 प्लस 6 इज 8 एंड 2 प्लस 5 इज 7। सो ये आपके कुछ फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं वर्कशीट नंबर 6 के। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर सम्स। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।